बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे नए दोस्त बने, बहुत सारा जो है सीखने को मिला। यहाँ पर गेट टुगेदर रहा, अच्छा एनवायरनमेंट था। दो साल तब तो उससे पता ही नहीं चला, लेकिन इन दो सालों में बहुत सारे दोस्त मिले, उसके साथ साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, बहुत सारी लर्निंग मिली। जब से मैं एम्स में आया है मैंने तो काफी इंजॉय करा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेमेस्टर सक्सेसफुली हो गए, अब लास्ट सेमेस्टर हम कर रहे हैं, तो होप इंशाल्लाह ये लास्ट 2 मंथ भी एंजॉय में निकल जाएंगे। एम्स का एक्सपीरियंस क्या होता है, एम्स में तो मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिला, सिर्फ दोस्त मिले और इस जैसे दोस्त। 2 years were really good, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छी दोस्ती रही उनसे, बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत मजा आया। बहुत पूरा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ आकर जो है वो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने बहुत सारे मुझे टीचर्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली, यहाँ मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। एम्स में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा, एज ए स्टूडेंट एज ए फ्रेंड बहुत बेहतरीन। क्या बोलूँ, अच्छा तो कुछ बोलने नहीं आ रहा। Years at Ames, I won't say not memorable. So it, overall if you talk about the experience, it was not bad, not good. I met few people from different walks of life. एम्स में मुस्तकबिल बनाने आए थे और मुस्तकबिल बना के जा रहे हैं। मैं आया हूँ बलूचिस्तान से, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बाहर से आया हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती। 2 साल का जो हमने एम्स में वक्त गुजारा, बहरहाल अच्छा था, बहुत कुछ सीखा भी, बहुत लोगों से मिले, मुख्तलिफ लोगों से मिले, कुछ चीज़ें दुनिया की पता चली, दुनिया में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, सिर्फ पढ़ाई के अलावा सब आला था। It was fun experience. जो हुआ है वो सोचा नहीं था कभी, सारे एक्सपीरियंस था। कुछ दोस्त मिले, कुछ दोस्तों से लड़ाई हुई, तो जब शुरू में आए थे तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स खत्म हुए, फिर पेयर रह गया, फिर हम अकेले रह गए, तो 2 years तो यूं ही गुजर गए। और मेमोरीज यहाँ से मिली बहुत अच्छी, अच्छे से दोस्त मिले, एम्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। बहुत कुछ एंजॉय किया हमने और बहुत कुछ सीखा भी और बहुत सी यादें इधर से वाबस्ता भी हैं, और इंशाल्लाह हम इधर आफ्टर सेमेस्टर इधर एंजॉय करते रहेंगे, गेट टुगेदर होते रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे, बहुत अच्छा। तो उसको मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छे क्वालिटी फ्रेंड मिले जो मेरी जिंदगी लाएगा। मेमोरीज तो काफ़ी है, अगर मेमोरीज देखना है तो हमारे मेरे वॉलपेपर फेसबुक पे जाके देख लें, यहाँ की सारी पुलिस के साथ माशाल्लाह सारी कॉपरेटिव भी है, काफी इंजॉय करें सबके साथ मिलकर। मेमोरीज के बारे में क्या बताऊँ, जब मैं किसी से पूछता हूँ कुछ पढ़ने के लिए बता दो तो सब बोलते कुछ आता नहीं है, जब पेपर में जाते हैं सारे हाथ ही नहीं रुकता किसी का। मेमोरीज, बर्थडे सरप्राइजेस, पेपर्स में पूछना और बस ये सब कुछ, एवरी टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स इज अ ग्रेट मेमोरी। मेमोरीज में जो है वो मेरे दोस्त भी हैं और अब मैं पिकनिक पर जा रही हूँ तो बहुत इंजॉय करूंगी। एम्स आना बहुत अच्छा लगा। I think it was a mixture of both happiness and bad memories all together. ये सब ऑन रिकॉर्ड होता है बस। तो बहुत अच्छे और बहुत भाई जैसे दोस्त मिले, अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने बहुत रहनुमाई की, हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया, तो यही दुआ है कि सब खुश रहें आगे चलकर, इंशाल्लाह इसी तरह ताल्लुक कायम रहेगा एम्स के बाद भी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे दोस्त बनाए और बहुत ज़्यादा फिट हुई। मेमोरीज तो बहुत सारे हैं, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो जीशान ने हमें ट्रीट लाई थी, वो याद है मुझे। मेमोरीज अच्छी है, चल जाएंगी लाइफ टाइम। मेमोरीज बहुत है, थोड़ा है और लोगों ने हमें फोड़ा है, बहुत मजा आया। मेमोरीज, सरप्राइज बर्थडे पार्टीज, फेयरवेल पार्टीज, पार्टीज और सर साबिर की पार्टी जो उनकी हर क्लास में होती थी वो भी।